चुनाव प्रचार के अंत में बुलेट सुरेश कृष्ण राव पाटिल बुलेट पाटिल को मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। मानकुर शिवाजी नगर के भविष्य के लिए ये चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे आप जात पात और धर्म के नाम पे मत जाइए, विकास के नाम पे जाइए। आपके बच्चों के भविष्य के लिए सुरेश बुलेट पाटिल एक सक्षम उम्मीदवार है और वही मानकुर शिवाजी नगर का विकास कर सकता है। उनके पीछे शिवसेना, भाजपा और महायुति रिपाई के सब हमारी ताकत उनके पीछे है और आने वाली सरकार ये महायुति की सरकार है और महायुति की सरकार में अगर आमदार रहेगा तो जो डबल इंजन की सरकार है उसके जो फायदे होते हैं वो फायदे इस क्षेत्र को मिलेंगे। धन्यवाद। बुलेट पाटिल आगे बढ़ो। अरे बुलेट पाटिल की निशानी, बुलेट पाटिल की निशानी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की निशानी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की निशानी, राहुल सवाड़े साहब की निशानी, अरे बुलेट पाटिल की निशानी, अरे पीएमजीपी कोहली की निशानी। मुंबई मानखुर्द के पीएमजीपी इलाके में मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी बुलेट पाटिल के अंतिम चुनाव प्रचार अभियान में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का आगमन हुआ, जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि बुलेट पाटिल की चुनावी स्थिति काफी मजबूत और स्थिर है। देखिए एक रिपोर्ट। नजारा हम आपको बताना चाहेंगे, मानखुर्द के पीएमजीपी का यह नजारा है जहाँ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ये बुलेट प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और आज ये अप्रत्याशित भीड़ कहीं न कहीं दर्शा रही है कि इससे पहले की अगर बात करें तो चुनाव जो है दो लोगों के बीच में था, लेकिन आज यह त्रिकोणीय चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। वही हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एकनाथ शिंदे गुट की बात करें या RPI की बात करें, ये तमाम झंडे यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्वयं। और आज कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बुलेट पाटिल आप अपने आज अपने द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं इस मानखुर्द के पीएमजीपी इलाके में। इस मानखुर्द पीएमजीपी इलाके में आज अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिल रही है, क्या वजह? सबसे पहले आपके चैनल को शुभेच्छा। मैं बुलेट पाटिल, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब युति के माध्यम से मुझे 171 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया, चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारा पीएमजी कॉलोनी में सोनापुर ये कॉलोनी में प्रचार फेरी चालू है और ये प्रचार फेरी में माननीय युवा नेते डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब वो ये युवा रैली में शामिल होने वाले हैं, इसलिए ये पीएमजी में इतना भीड़ को देखने को मिली। नहीं, चुनाव प्रचार की बात करें तो आज ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं ये भीड़ थमने का नाम नहीं ले रहा। एक्चुअली वजह क्या है, आज से पहले जो दिखाया जा रहा था कि दो दिग्गजों के बीच में जो चुनाव है, आपके आने के बाद यह चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है, तो आज कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आपकी प्रबल दावेदारी नजर आ रही है, क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहला मैं किसको दिग्गज मानता नहीं हूँ, क्यों मैं सन 1980 से मैं विभाग में यहाँ पे समाज सेवा कर रहा हूँ। नौकरी छोड़ के आज़ाद के रूप में मैं नगर सेवक बना था और मेरा समाज सेवा देख के ही माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने मेरे को चुनाव लड़ने का आदेश दिया है, वो इसलिए मैं इधर चुनाव प्रचार में मैं खड़ा हूँ। एक और सवाल, आज इस भीड़ को देखते हुए कहीं न कहीं नज़र आ रहा है कि जीत आपके पक्ष में होगी, आप जीतने के बाद पहला काम क्या करेंगे? जीत तो मेरे पक्ष में होगी, शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा का विकास करूँगा, प्रदूषण मुक्त शिवाजी नगर विधानसभा करूँगा। देखा है मानखुर शिवाजी नगर विधानसभा से बुलेट पाटिल थे, जिनका यह कहना है कि जीत तो हमारे पक्ष में ही होनी है और उनका यह कहना है कि जीतने के बाद जो है ये प्रदूषण मुक्त करूंगा इस मानखुर शिवाजी नगर को। पूर्व सांसद राहुल सेवाले का आगमन हो चुका है, कुछ ही क्षणों में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी आने वाले हैं और काफ़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। कितना डेवलप होता जा रहा है, लेकिन मानखुर शिवाजी नगर जैसा है वैसा ही है, यहाँ पे स्लम भी वैसा ही है, वहाँ पे गंदगी भी वैसी है, डंपिंग ग्राउंड की भी समस्या वैसी है, यहाँ पे पानी की भी समस्या है। तो 15 साल से अबू आजमी विधायक होके यहाँ पे कुछ काम कर नहीं सके, वो फेल हुए हैं और लोग अभी हिसाब मांगती है और लोगों को जवाब चाहिए कि 15 साल में आपने 5 अच्छे कौन से काम किए वो दिखाना चाहिए। जो भी काम हुआ है वो महानगर पालिका के माध्यम से हुआ है, महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता थी, शिवसेना के माध्यम से वहाँ पे काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जब भी मुख्यमंत्री होने के बाद
दो साल में, ये ब्रिज का निर्माण भी ये शिवसेना ने ही किया, पूरा किया हुआ है। तो बहुत सारे जो काम है वो शिवसेना के माध्यम से हुए, तो लोगों को विश्वास है शिवसेना ही मानकुर शिवाजी नगर का विकास कर सकती है। और हम हर बार शिवाजी नगर बोलते हैं लेकिन शिवाजी नगर नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का ये नगर है और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के नगर पे और उस विधानसभा पे छत्रपति शिवाजी महाराज का ये हमारे बावड़ा है, यही यहाँ पे आमदार बन सकता है, यही इनका हक है। ये अभी हम लोग 20 तारीख को आपको दिखाएंगे। नहीं शिवाली साहब, एक प्रश्न और, आप महायुति की बात कर रहे हैं, आप महायुति में खुद शामिल हैं, आप सांसद भी रह चुके हैं, कहीं कहीं यह दिखाई दे रहा है कि महायुति के दो दो प्रत्याशी खड़े नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना है इस सिलसिले में? नहीं, सिलसिले में यही कहना है कि हमारी भूमिका स्पष्ट है, हमने ये महायुति के माध्यम से सुरेश बुलेट पाटिल इनको यहाँ पे चुनाव के लिए खड़ा किया है। जो दूसरे पक्ष के है उम्मीदवार, वो उनकी अलग भूमिका है और उनको हम लोग ने पहले से ही विरोध किया है, महायुति ने भी पहले से ही विरोध किया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जब भी उनको लिया तभी भी शिवसेना भाजपा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस को बताया था कि उनको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारी पहले भी भूमिका वही थी, आज भी भूमिका यही है और आगे भी हमारी भूमिका यही रहेगी। तो मानकुर शिवाजी नगर के भविष्य के लिए ये चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप जात पात और धर्म के नाम पर मत जाइए, विकास के नाम पे जाइए। आपके बच्चों के भविष्य के लिए सुरेश बुलेट पाटिल एक सक्षम उम्मीदवार है और वही मानकुर शिवाजी नगर का विकास कर सकता है। उनके पीछे शिवसेना भाजपा और महायुति रिपाई के सब हमारी ताकत उनके पीछे है और आने वाली सरकार ये महायुति की सरकार है और महायुति की सरकार में अगर आमदार रहेगा तो जो डबल इंजन की सरकार है उसके जो फायदे होते हैं वो फायदे इस क्षेत्र को मिलेंगे। छह क्षणों में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का आगमन होने वाला है और वहीं हमारे बीच मौजूद हैं अख्तर कुरैशी साहब जो कि पूर्व नगर सेवक हैं। क्या कुछ कहना है आइए हम जानते हैं। अख्तर साहब, क्या स्थिति रहेगी बुलेट पाटिल की? बुलेट पाटिल साहब की, हमारी पार्टी की, हमारे उम्मीदवार की स्थिति बहुत मजबूत है और हम ये सीट निकालने जा रहे हैं। एक बात और कहा जा सकता है कि आप कुरैशी समाज से भी हैं और क्या स्थिति रहेगी, कुरैशी समाज किसको वोट करेगा? देखिए, कुरैशी समाज भी हमें फुल तरीके से साथ दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अभी बदलाव चाह रहे हैं कि भाई कोई नया चेहरा है, तो बुलेट पाटिल साहब के रूप में एक नया चेहरा आया है। काफ़ी पहले भी वो नगर सेवक रह चुके हैं और अच्छे कार्य कर चुके हैं, तो लोग में जानी पहचानी शख्सियत भी है, तो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुरैशी साहब, एक और सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं बुलेट पाटिल जी, और जो हिंदुओं का वोट कहा जाए प्रतिशत या मुस्लिम वोट प्रतिशत कहा जाए, तो मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या स्थिति रहेगी आज 16 प्रत्याशियों के लड़ने के बावजूद, क्या स्थिति रहेगी बुलेट पाटिल की? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो लाड की बहन योजना में कोई भेदभाव नहीं करते हुए सभी लोगों को वो योजना का लाभ पहुंचाया है, तो हम उनको मुस्लिम समाज के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी तरफ आ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जो विकास हुआ है और जो विकास दो ढाई साल में जो अपने एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में रहा है, ऐसा विकास मैंने तो 30-35 साल में कभी देखा नहीं है। उन्होंने इतना विकास और बम्बई को नंबर वन पे, महाराष्ट्र को नंबर वन पे पहुंचाने की कोशिश की है। अब यहाँ समाज जो है ये नहीं देख रहा, आज लोग देखते हैं कि काम कौन करता है और लोगों का साथ कौन देता है, तो हमारे मुख्यमंत्री हर योजना का लाभ हर समाज को दे रहे हैं तो हर समाज हमारे साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एकदम तहे दिल से और RPI ये जो घटक दल है पूरे ताकत के साथ बुलेट अन्ना के साथ खड़े है और मुझे पूरा भरोसा है कि 23 तारीख को आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति का यहाँ बुलेट पाटिल जो हमारे प्रत्याशी है वो भारी मतों से चुन के आ रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शंका नहीं है। अभी देख रहे हैं आप हज़ारों की तादाद में स्पेशली महिला यहाँ पे दिख रहे हैं आप, और ये महिलाएं बहने स्वयं आए हैं, उनको कोई खाली प्रचार से आए हैं कि बुलेट पाटिल के ऊपर प्यार करने वाली हज़ारों की तादाद में यहाँ महिलाएं। बुलेट पाटिल आगे बढ़ो, अरे बुलेट पाटिल की निशानी,
बुलेट पाटिल की निशानी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की निशानी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की निशानी, राहुल सवाड़े साहब की निशानी, अरे बुलेट पाटिल की निशानी, पीएमजीपी कोहली की निशानी।